बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंजम मनीर चौधरी और आप देख रहे हैं अंजम फूड कॉर्नर। आज की मेरी रेसिपी है ईद स्पेशल मटन कलेजी। ये कलेजी है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब। इसको अच्छे तरीके से वाश करके पानी ड्रेन कर लिया। तो ये मैंने सारे अर्गन लिए हैं, सिर्फ कलेजी नहीं है, बाकी पार्ट भी। तो अब इसको मैरिनेशन के लिए दही लगाती हूँ। इसमें जाएगा 1 टीस्पून तारा मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी रेड चिल्ली। इनको मिक्स करके, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो इसमें इसकी मैरिनेशन करके, तो तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने फ्रिज में छोड़ना है इसको। 2 घंटे अब हम इसको फ्रिज में रखते हैं, इसके बाद बाकी अमल जो इसका फिर जारी रहेगा। कलेजी को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। हमेशा की तरह आज की अच्छी बात, जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। चले मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यह आप मेरे पास तेल है वो शामिल करती हूँ। ये सरसों का तेल है, मैं सरसों के तेल में हमेशा खाने बनाती हूँ। अब इसके गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें और अच्छा सा कमेंट्स दें। अब जाएगा 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 चौकी हुई प्याज, 1/2 लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली हुई मिर्च, 1 अदर बड़े साइज का टमाटर। अब इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। मसाला हमारा अच्छी तरह ये फ्राई हो गया। अब इसमें मैं खुशक मसाले और ऐड करती हूँ। आधी क्वांटिटी मैंने उसमें डाल दी थी मैरिनेशन में, और अब आधे इसमें शामिल करने लगी। 1 टीस्पून तारा मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली, 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक जो है वो मैं खसपे जाएगा बाद में ऐड करूँगी। माशाल्लाह से मसाला जो वो हमारा तैयार हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें मैं शामिल कर दी हूँ मैरिनेटेड कलेजी। ये मटन की हमारे पास कलेजी है, इसको कुक होने में तकरीबन 25 मिनट लगेंगे। अब हम ढक्कन दे के इसको छोड़ देते हैं, तो 25 मिनट के बाद मिलते हैं। माशाल्लाह से ये पानी खुशक होना स्टार्ट हो गया। मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं इसको और पकाती हूँ। मैं शामिल करती हूँ 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून खुशक मिर्ची। माशाल्लाह से हमारी ईद स्पेशल मटन कलेजी बनकर तैयार हो गई है। ये देखें, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये अब पक कर तैयार। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप भी घर में बनाइएगा, खुद मज़ा करें, मेहमानों को दें। ईद स्पेशल मटन कलेजी मसाला बनकर तैयार हो गया। दुआओं में याद रखें, अल्लाह मेरे और आपके रिज़्क में इजाफा फरमाए। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए YouTube का विज़िट करें, दोस्तों में शेयर करें, अच्छा सा कमेंट्स दें। अब मैं गार्निशिंग के लिए लेमन यूज़ करती हूँ
और ये हैं मेरे पास खीरे, ये खीरे हैं मेरे पास, ये हैं सब्ज मिर्च। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी डिश तैयार हो गई है। आप भी इसको घर में ट्राई करें, मेहमानों को दें। ओके, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।